यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या। रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार। एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया। समाजवादी पार्टी को इसे अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। इस इमोशनल एक्सप्लाइटेशन के पीछे उनकी मकसद और मंशा कि प्रदेश और देश के सांप्रदायिक माहौल में जहर हो। आखिर इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश के अंदर में क्यों बढ़ रही है, इसकी ये चिंता की बात है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम पूरा हो गया है और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। ये बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा दे, जानकारी आप तक पहुंचा दे कि खतार के अंतिम संस्कार की भी तैयारी इस वक्त जारी है। इस बीच सोशल मीडिया पर मुख्तार अंसारी को शहीद बताने वाले पोस्ट पर उत्तर प्रदेश की पुलिस का बड़ा एक्शन यहां पर सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है तमाम दिग्गज अधिकारियों के जरिए, जिसमें मुख्तार अंसारी को लेकर भ्रामक पोस्ट करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है। यहां पर मुख्तार अंसारी को शहीद कहकर सम्मान जब दिया गया तो फिर उसके बाद एक्शन भी यूपी पुलिस का सामने आ गया, और कल ही इस बात की चेतावनी भी जारी कर दी गई थी कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो माहौल को बिगाड़े। क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। कर रहा है मेरे आदमी का तबाह, दुनिया समझ रही है कष्टी भवन। ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार। मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था, और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है, किसी की हिम्मत नहीं उसके प्रति कुछ बोल दे। अपराध की दुनिया में दखल बढ़ाकर राजनीति के गलियारे तक पहुंचे मुख्तार अंसारी की मौत के साथ माफिया का एक और चैप्टर योगी राज में बंद हुआ। योगी सरकार ने माफिया के सर्वनाश की सौगंध खाई है और एक एक कर यूपी माफिया मुक्त होता जा रहा है। एक साल पहले रमजान के महीने में प्रयागराज में बाहुबली नेता और डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई थी। उसकी मौत से ठीक एक साल बाद रमजान के महीने में ही मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। तुष्टिकरण की राजनीति उनको करना है और दूसरे पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार। दबंगई करने का शौक, मनमानी करने की जिद ने उसे माफिया बना दिया। सरकार मायावती की हो या मुलायम की,
यूपी में माफिया मुख्तार अंसारी का इस कदर खौफ था कि सरकार तक उसके सामने चुप रहती थी। जब शहर में कर्फ्यू था तो मुख्तार खुली जीप में हथियार लहराते हुए चलता था। उसके काफिले को रोकने का साहस किसी में नहीं था। योगी माफिया मुख्तार के अदावत की कहानी की शुरुआत साल 2005 में हुई। अक्टूबर 2005 में मऊ में दंगा फैला और फसाद के दौरान AK-47 के साथ ओपन जीप के साथ घूमते हुए मुख्तार की तस्वीरें देखकर लोग खौफ में आ गए। ये हिस्ट्री शीटर मुख्तार अंसारी के बाहुबली होने की मुहर थी, लेकिन मऊ से 104 किलोमीटर दूर गोरखपुर में सन्यासी से सांसद बने योगी आदित्यनाथ ने ठान लिया था कि वो मऊ दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने मऊ के माफिया मुख्तार को चुनौती दी, लेकिन तत्कालीन मुलायम सरकार ने ढाल बनकर मुख्तार को बचाने के लिए पूरा जोर लगाया और योगी का काफिला मऊ पहुंचने से पहले रोक दिया गया। दो साल बाद 7 सितंबर 2008 जगह डीएवी डिग्री कॉलेज आजमगढ़। दो हजार आठ में दोबारा योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार को ललकारा था। योगी आदित्यनाथ की रैली तय थी। उन्हें विरोध की पहले से आशंका थी कि योगी आदित्यनाथ दर्जनों गाड़ियों के काफिले के बीच लाल रंग की एसयूवी में बैठे थे, तभी एक पत्थर उनकी गाड़ी पर आकर गिरा। योगी के काफिले पर हमला हो चुका था, लेकिन आजमगढ़ में योगी के काफिले पर पथराव किया गया। उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मुख्तार अंसारी ने सुनियोजित हमला करवाया है। इस वाक्य का जिक्र करते हुए योगी सदन में भावुक भी हो गए थे। पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने वाले मुख्तार को अंदाजा नहीं था कभी समय का चक्र घूमेगा। 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ जैसे ही यूपी की कुर्सी पर काबिज हुए, माफिया मुख्तार के फन कुचलने की शुरुआत हो गई। माफिया के खिलाफ योगी का ताप झेलना मुख्तार के लिए भारी पड़ रहा था। मुलायम और माया सरकार के वक्त मुख्तार अंसारी के तेवर, अकड़ और रौब योगी सरकार में ढीले पड़ने लगे थे। उसे अपना अंत नजर आने लगा था। कानून को व्हील चेयर पर पहुंचाने वाला खुद व्हील चेयर पर पहुंच गया था। याद करिए, जो लोग पर्व और त्योहारों में पत्रों पैदा करके यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। यूपी में उस वक्त की सरकारों ने मुख्तार को इतनी शह दी थी कि उसके हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि साल 2004 में सेना के भगोड़े जवान की चुराई गई लाइट मशीन गन के लिए 1 करोड़ का सौदा कर रहा था। उस वक्त एसटीएफ चीफ शैलेंद्र सिंह के मुताबिक इस एलएमजी का इस्तेमाल वो कृष्णानंद राय की हत्या में करना चाहता था। बात 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है, और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था, और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की, आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है, और उस पर पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये हो, इसको जेल जाना होगा। मुख्तार के रसूख के चलते उस वक्त के मुलायम सरकार ने उसे बचाने के लिए कई अफसरों का तबादला तक कर दिया। शैलेंद्र सिंह ने बताया कि उनके ऊपर भी केस खत्म करने का दबाव बनाया जाने लगा। उनका दावा है कि मुलायम सिंह उनसे काफी नाराज थे। आखिर में सिस्टम से परेशान होकर शैलेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया।
मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। प्रयागराज सेशंस कोर्ट के बाहर भी मुख्तार अंसारी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को चुनौती देने की भूल कर दी थी। कोर्ट के बाहर मुख्तार का इशारा था कि उसकी कश्ती भंवर में जरूर है लेकिन तूफान दोबारा आने वाला है। उसने क्या कहा था ये भी देखिए। मुलायम, माया और अखिलेश के जमाने में साम्राज्य कायम कर चुके मुख्तार का पानी योगी सरकार में उतरने लगा। मुख्तार अंसारी और उसकी क्राइम फैमिली को जल्द एहसास हो गया था कि उनके अंत का काउंटडाउन चालू हो चुका है। जेल में बंद मुख्तार अंसारी यूपी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई से सहमा दिखाई देने लगा। उसने अपनी सुरक्षा को खतरा बताते हुए यूपी के बाहर जेल ट्रांसफर की अर्जी लगाई। इसके बाद उसका पंजाब जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। पंजाब की जेल में ऐश की जिंदगी काट रहे मुख्तार को खींचकर यूपी की जेल में बंद करने के लिए योगी सरकार ने जमीन आसमान एक कर दिया था। आखिरकार मुख्तार को वापस पंजाब से बांधा लाया गया। यूपी सरकार की पैरवी का ही नतीजा रहा कि पिछले 1.5 साल में मुख्तार अंसारी को 7 मामलों में सजा सुनाई गई। इसमें उम्र कैद तक की सजा भी शामिल रही। मुख्तार के खिलाफ कुल 65 मुकदमे दर्ज हैं। उसके गैंग के 292 सहयोगियों के खिलाफ भी ताबड़तोड़ एक्शन हुआ और 160 मुकदमे भी दर्ज किए गए। इनमें से 186 सहयोगियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भी भेज चुकी है। वहीं 5 शूटर पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। योगी सरकार में मुख्तार अंसारी के करीब 2100 से ज्यादा अवैध कारोबार बंद कराए जा चुके हैं। सरकार के इस जबरदस्त एक्शन में मुख्तार अंसारी से संबंधित 605 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। बाबा यहीं रुकने वाले नहीं हैं। यूपी में अपराधी छोटा हो या बड़ा, सब पर योगी सरकार का हंटर चल नहीं बरस रहा है और कानूनी डंडे के बरसात में माफिया गैंग के अड्डों को जमींदोज किया जा रहा है। मुख्तार ही नहीं, उसके पूरे अंसारी कुनबे पर भी तमाम मुकदमे चल रहे हैं। इसमें मुख्तार के भाई सिबगतुल्लाह के खिलाफ 3 केस दर्ज हैं। वहीं दूसरे भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें हत्या के 1 मुकदमे में सीबीआई जांच चल रही है। इसमें उसकी पत्नी अफशां अंसारी के खिलाफ 11 केस दर्ज हैं। इनमें गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे शामिल हैं। बेटे अब्बास अंसारी जो मऊ सदर से विधायक हैं, उसके खिलाफ 8 मुकदमे हैं। उसकी पत्नी निखत के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। वहीं मुख्तार के दूसरे बेटे उमर के खिलाफ भी धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में 6 केस चल रहे हैं।